एवरीवन, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल। तो फिर से एक नई दिन की शुरुआत। तो रात को काफ़ी ठंड लगी हमें इस टेंट में, तो मैंने जो है स्वेटर लगाया रात को। तो सताए भाई जो है जल्दी उठ चुके हैं, तो मैं जस्ट अभी उठा। तो दिखाते हैं अब आपको बाहर का नज़ारा, सुबह मॉर्निंग का नज़ारा। तो यह है कुछ इस तरीके का नज़ारा सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो हम रात को जो है यहाँ दुबदलो में हम रुके हुए हैं। तो ये हमारी जो है टेंट्स, बहुत ही सुंदर नज़ारा सुबह सुबह का, मॉर्निंग का। ओह, एक नंबर। तो ये इस टेंट में मैं उसताबे सोए थे। तो इस टेंट में जो है वो सुरा भाई हैं। सुरा भाई, तो देखते हैं सोए हैं क्या अभी नहीं, अगर सोएंगे तो जगाते हैं इनको। सुरा भाई, क्या बात है, बिल्कुल खोए हुए हैं। सर, गुड मॉर्निंग, की हाल चाल, तो कैसी रही रात? रात अभी कंटिन्यू चल रही है। अरे भाई यार, अपना चेहरा तो दिखाओ, क्या बात है जनाब। तो ये देर में खत्म हो गई। हाँ, तो कैसी याद? एक्चुअली हमें जो रात को काफी ठंड लगी, काफी हवा थी बाहर। तो आपकी टेंट में कैसा रहा, बढ़िया रहा? ठीक, ओके ओके था। जी, आप थोड़ा फेस तो दिखाइए अपना एक बार फिर। अभी नींद में काफी हूँ मैं, इस करके। तो चलिए चलिए चलिए, तो रेस्ट लीजिए आप। लीजिए सुरा भाई, हमारे हमने जो इनका टैग पैक कर दिया दोबारा। तो ये हमारे आगे भाईजान साहिब भाई, मॉर्निंग वॉक करके। सर, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, कैसी रही वॉक? हाँ, तो आप ये बताइए कि रात कैसी रही? रात बहुत ठंडी रही, रात ठंड में गुजरी। देखिए, हमने आग अभी भी जलाई हुई है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। एंड ऑन द टॉप ऑफ दिस माउंटेन देयर इज द नेटवर्क। क्या बात है, यहां से नेट यूज करने। क्या बात है, थोड़ा देश विदेश का हाल जान के आया हूं। अभी आज ही हम नेटवर्क से घूम रहेंगे। चलो, अच्छा है, थोड़ा दुनिया से दूर। क्या बात है, पहाड़ों की वादियों में। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा नजारा जो मॉर्निंग को आप देख रहे हो इस दुदलों में, क्या बात है, एक नंबर। तो अभी हम जो है थोड़ी देर बाद अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे। तो फिर उस टाइम जो है नेक्स्ट, आज के दिन हम यहाँ पे जो है अच्छनाग, रतन हो गया, मोरी, वहाँ पे हम कोशिश करेंगे जाने की, और वहाँ से जो है आपको हम अच्छे अच्छे व्यूज जो है दिखाएंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे चूल्हे पे चढ़ा हुआ है। सर, क्या बता सकते हैं क्या है आज ब्रेकफास्ट? जी सर, आज ब्रेकफास्ट में हम बना रहे हैं ऑमलेट और बनी चाय। आप देख सकते हैं हम तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं। ये हमारे अंडे, ये हमारे जो है ये प्याज काटे हुए, ये हमारे ब्रेड। तो वी विल ट्राई कि हम जो है हाईवे ब्रेकफास्ट जो है करेंगे, क्योंकि आज दिन में हमें काफ़ी ट्रैवल करना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आगे, बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। तो इस टाइम हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे सुरा भाई, तो अरे उस्ताद भाई, क्या हाल चाल, हो गया ब्रेकफास्ट? तो ये हमारे जो सुरा भाई ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे टेंट्स, तो ये हमारे कुछ गाइड यहाँ के, कल जो हमारे साथ लोकल्स कुछ थे। तो काफ़ी मज़ा आया ब्रेकफास्ट में, हमने जो है ऑमलेट्स वगैरह लिए और चाय कॉफ़ी। तो इन पहाड़ों पे आके मज़ा है कुछ और है, कुछ अलग लेवल का जो है इंजॉयमेंट होता है। तो आप देख सकते हो, ये मेरी बैक साइड में बड़े खूबसूरत से मकान, सॉरी पहाड़, ठीक है, नेचुरल ब्यूटी जो है, कुदरत, हाँ, कुदरत से भरपूर ये पहाड़। आप देख सकते हो हमारे बैक साइड में कितने अच्छे व्यू है, बहुत ही अच्छे देखने के लायक। तो अब हम ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है, तो अब हमारा प्लान है नेक्स्ट, हम यहाँ पे जो है अच्छा जहाँ पे एक बहुत बड़ा चश्मा है वहाँ जाएंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह मोरी जाएंगे, मोरी के बाद हमारा ट्रैक रहेगा रतन के लिए। तो इस रतन से जो है हम अपनी जो है वापस घर को निकलेंगे। तो ठीक है, अब हम हो चुके हैं तैयार, पैकिंग वगैरह हो गई हमारी।
तो ये हमारे रहे स्लीपिंग बैग, ये हमारे टेंट्स। तो यहाँ से सुराबे पैक कर रहे हैं, सुराबे रेडी हो चुके हैं। तो सताई भाई भी रेडी हैं। तो हमारे नए जो कुछ कमर्स यहाँ पे आए हुए हैं, ये कह रहे हैं कि ही जो है हम आपके साथ घूमेंगे आज। तो हम जो हमारा ट्रैक शुरू होने जा रहा है, हम जा रहे हैं आज क्या बोलते हैं यहाँ जो नाग है, अच्छे से बोलते हैं, उसके बाद हम जाएंगे मोरी, उसके बाद हम जाएंगे रतन। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नावन जाने की, अगर टाइम होगा तो उसके बाद बैक। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट। और ये मेरे साथ सुरा भाई। सुरा भाई कैसे लग रहा है? बढ़िया। थकावट तो नहीं हुई? नहीं। तो ये हमारे साथ कुछ दो जो नुनु मुन्नु थे कल हमारे साथ थे। अच्छा, इन्होंने हमें फिर से ज्वाइन, ये हमें इन्होंने इनका कहना कि हमें आपसे काफ़ी लगाव हो गया है, इसलिए जो इन्होंने रात को स्टे अपने घर में किया, सुबह जो हमारे पास पहुँच गए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आमिर। आमिर आपका? मोहजिब। तो बड़े अच्छे लड़के हैं। तो आज इनको हम अपने साथ ही, ये हमारे ये इन्होंने कहा कि हम आपको कंपनी देंगे। तो हमारे साथ जो है ये अच्छे जा रहे हैं, काफी एंजॉय आप देख सकते हो। कितने खूबसूरत नज़ारा जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्यूटीफुल एक नंबर। और ये लड़के काफी इंटेलिजेंट लड़के हैं, और ये काफी जो अभी थर्ड क्लास में पढ़ रहे हैं, और इनको लेकिन इनका जो आईक्यू लेवल देखा हमने, काफी डेडिकेटेड है, काफ़ी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ लाइफ में करना चाहते हैं। तो हमने इनको जो है प्रॉपरली गाइड किया, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि किसी को जो है अच्छी राह दिखाओ। तो इनकी चाहत है कि हम कुछ लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, हमने इनको कुछ टिप्स दिए, हमने कहा कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे इंशाल्लाह आप जो है अपनी मंजिल पा सकोगे। तो अभी हम जा रहे हैं अच्छे नाव की ओर, यहाँ पर चश्मा है, काफ़ी अच्छा, बहुत ही ठंडा पानी है, नेचुरल है, ठीक है। तो हम जो है अच्छे नाग की ओर जो पहुंचने वाले हैं, ये सामने आप जो देख रहे हो यहाँ पे अच्छा नाग है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हो, ये बहुत ही खूबसूरत बर्फ़ वाले पहाड़, बर्फ़ से ढके हुए, तो थोड़ी बर्फ़ है इनमें। तो हम करेंगे कोशिश इंशाल्लाह वहाँ जाके आपको जो है प्रॉपरली व्यू जो है इंशाल्लाह दिखाएंगे हम। अच्छा नाग की ओर जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा ट्रैक रहा, थकावट भी काफ़ी हो चुकी है, लेकिन जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए वहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है। तो यहाँ से मैं आपको खूबसूरत सा नज़ारा जो है दिखाऊंगा, जैसे तो मेरे बैक साइड पे कितना ही खूबसूरत नज़ारा है, एक नंबर। सामने आप देख सकते हो वो है रतन मोरी। तो इस साइड आप जैसे देख सकते हो, यहाँ से हम आए तो ये यहाँ से दुबदलव वगैरह त्राजीवलन के लिए रास्ता जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि इवन की जून के महीने में भी जो है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जो है पहाड़ों पे है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि खासकर इन गर्मियों में, समर्स में जो है यहाँ इस महावैली के अंदर जो है ज़रूर आएँ, क्योंकि ये जो है जम्मू का नियरेस्ट स्पॉट जो है
अगर आप ट्राई करना चाहते हो बहुत ही अच्छी जगह है। हम जो है अच्छा के पास पहुँच चुके हैं। यह देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। इस जो है इस पहाड़ के अंदर से ये पानी निकलता है, बहुत ही ठंडा पानी है। अगर आप एक मिनट इसमें हाथ रखोगे आपके हाथ जो है एकदम बिल्कुल सेट हो जाएंगे, इतना ठंडा पानी है। तो ये सब पानी आप देख रहे हो इसी चश्मे का, और इसी से निकलता हुआ ये जो है महू का जो मेन नाला है, वहाँ से जो मेन सोर्स उनका है यही है। तो यहीं से जो है ये पानी निकल के जो आगे की तरफ निकलता है। तो बहुत ही खूबसूरत, मैं कोशिश करूँगा आपको नज़दीक से दिखाने के लिए। ओह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत एक नंबर। यहाँ से जो है इस पानी का रीजन है, यहाँ से इस जगह से जो है ये चश्मा निकलता है, बहुत ही खूबसूरत एक नंबर। देख सकते हो आप ये हमारा जो वापसी का ट्रैक, बहुत ही खतरनाक ट्रैक है ये, बहुत ही टफ रास्ता है, लेकिन हम आखिरकार पहुँच ही गए इस जगह पे। तो हम निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर। इस समय जो है हमने क्या बोलते हैं लंच का टाइम था, लंच कर लिया है। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से मोरी की ओर, उसके बाद बैक टू होम। क्या बात है, बहुत ही अच्छा नज़ारा था। पहुँच चुके हैं मोरी में। तो यहाँ पे कुछ जो हमारे फ्रेंड्स थे वो मिले हमसे, तो अभी हम जा रहे हैं रिटर्न टू बैक। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा आज यहाँ का। तो मोरी के बाद हम देखेंगे टाइम, इस टाइम हो चुके हैं 3:30 मीन 3:30। तो अगर टाइम लगा तो हम यहीं से जो है निकल जाएंगे हम रतन के लिए, उसके बाद जो है निकल जाएंगे दामन इंशाल्लाह, अगर कोशिश करेंगे अगर टाइम मिला तो। हाँ तो हमारे जो सताई भाई, यहाँ पे सताई भाई कैसा मजा है, कैसा रहा? हाँ हाँ, क्या रतन के लिए क्या प्लान, जाना रतन के लिए देखते हैं अभी। हाँ उसका पक्का नहीं है। तो ये हमारे सुरा भाई कैसा रहा? बढ़िया। हाँ तो बस हम निकल रहे हैं, हम एंडिंग मोमेंट्स में हैं। तो देखते नीचे क्या प्लान करते, टाइम बचा तो हम रतन के लिए, वैसे नॉर्मन नहीं तो टर्न टू पैक। पहुँच चुके हैं यहाँ पूरी थोड़े से नीचे। एक्चुअली हमारा प्लान जो है अब चेंज हो चुका है। अब हम रतन नॉर्मन वगैरह नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है, टाइम भी नहीं है। तो इस नेक्स्ट टाइम जो हम आएंगे तो उसकी ओर इस जगह के मुकाम पे। तो यहाँ से जो है पूरा महू का व्यू दिख रहा है आपको, बस कुछ ही टाइम पे हम जो है प्रॉपर महू में पहुँच जाएंगे, और वहाँ से जो है अपने घरों के हम, ये हमारे एक जो है डांसर यहाँ पे परफॉर्म करते हुए महू की वैली में। प्रॉपर महू में पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे हमें थोड़ा काम है, तो उसके बाद जो है हम निकलेंगे। आधा एक घंटा हम यहाँ पे प्रॉपर में लगेगा, उसके बाद जो है हम अपनी घर की ओर वापस निकलेंगे। तो सरा भाई यहाँ पे हम जो है प्रॉपर महू से निकल पड़े हैं। तो सरा भाई काफ़ी मायूस कहते हैं कि यार जाना पड़ा आखिरकार। सरा भाई क्या बोलना चाहते हो? मैं कहूँगा कि अच्छा है, काफ़ी अच्छा रहा। तो वर्थ एक्सप्लोरिंग है जगह, यूनिक सी है और ट्रैक है। सो आप काफ़ी अच्छे से वहाँ पे
एक्सप्लोर करके जगह देख सकते हो जो कि डिफरेंट है। तो हम कोशिश करें इस जो नेक्स्ट टाइम आएंगे जो प्लेसेस यहाँ पे रह गई हैं उनको जो हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पीछे सताए भाई क्या बोलना चाहते हो, कैसी कैसी ट्रिप रही? अच्छी ट्रिप रही, बहुत अच्छी ट्रिप रही। हाँ तो सर्दी थी काफ़ी ज़्यादा। हाँ लेकिन जो बोन फायर हुआ ना क्या बात है यार, क्या जो फायर मज़ा आ गया। तो हम निकल रहे हैं घर की ओर। हाँ ये रही हमारी गाड़ी। गाड़ी में बैठ चुके हैं ये सुरा भाई साहब भाई। ठीक है तो निकलते हैं हम अब जो है घर की ओर। तो मिलते हैं आगे when we reach home. Okay. फाइनली गाइस हम अपने घर में पहुंच चुके हैं सही सलामत से, अलग का शुक्र है। तो ये हमारे सताज भाई सुरा भाई। तो बेहोशी वाली सर क्या बोलते हो, कैसी रही आगे इस ट्रिप की, जो ट्रिप के बारे में क्या क्या बोलोगे? ट्रिप तो बहुत अच्छा रहा है ऑब्वियसली, हमने आपको पहले भी बताया है सारे में, बस ये है कि हमने काफ़ी ट्रैवल किया है, बिल्कुल थकावट काफ़ी हो चुकी है, थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सो इसका अपडेट आपको एज बताएंगे। हाँ हाँ ठीक ठीक बिल्कुल। तो इसी के साथ हमारे व्लॉग एंड होता है यहीं पे। तो अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में ये बताइए कि क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।